Assalamualaikum. Very good afternoon, my beautiful ladies and my YouTube family and my Facebook family. क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मजे में होंगे, जिंदगी के हर खूबसूरत लम्हे को खूबसूरत तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे. अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं. तो चलें चलते हैं आज की खूबसूरत सी, बहुत ही हमारे घर की ट्रेडिशनल सी ये रेसिपी है. मैं इसको बना रही हूँ फ्रॉम लास्ट 35 ईयर्स से ये सेम रेसिपी हमारे घर में बन रही है एवरी फ्राइडे. तो आज मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर कर लिया जाए. वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन को क्लिक जरूर कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके. तो चलें आज चलते हैं रेसिपी की तरफ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ये मैंने ली है 6 लेग पीस मैंने लिए हैं, आप अपनी फैमिली के हिसाब से लीजिएगा. उसमें हम डालेंगे गार्लिक एंड लहसुन पेस्ट और उसमें जाएगा जी 2 टेबलस्पून दही. ठीक है, आप अपने मीट के हिसाब से डालेंगे जी. उस वक्त आपको पता है पहले ये मसाले वगैरह नहीं थे होते, तो उस वक्त हम घर के मसाले यूज करते थे. अब क्योंकि हैं तो इसमें मैंने थोड़ा सा यूज किया तिक्का मसाला, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, 1/2 टीस्पून. ठीक है, बिल्कुल. एंड ये टिक्का, चिकन टिक्का, ये मैं थोड़ा सा ज्यादा यूज करूंगी, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर, तकरीबन 1 टेबलस्पून के मुताबिक ये डालूंगी. ये डाल गया और थोड़ा सा लाहौरी चरगा. ठीक है, जिन लोगों के पास नहीं है चीज ये वो ना डालें घर में, अगर नहीं है है तो डाल ले. ठीक है, ये बिल्कुल थोड़ा सा, इतना सा. और बाकी डालेंगे इसमें घर के मसाले, जिसमें है गरम मसाला, जिसमें है लाल मिर्च, जिसमें है 1 टीस्पून भर के हल्दी, और इसमें है अनारदाना पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा नमक. नमक कम डलेगा क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर नमक है. ठीक है जी, तो ये सारी चीजें गई इसके अंदर. और अब इसमें जाएगा थोड़ा सा मस्टर्ड. ठीक है जी, अब हम इसको करते हैं मिक्स. तो फिर आपके सामने लेग पीस को मसाला लगाते हैं. ठीक है जी. हाँ जी, 1 टेबलस्पून इसमें ऑयल जाएगा. ठीक है, चले जी, अब हम इसको करते हैं मिक्स. तो फिर लेग पीस को मसाला आपके सामने लगाते हैं. ठीक है, तो फिर आप इसको ओवरनाइट रख दें या 3-4 आवर्स पहले रख दें या उसी वक्त बना लें. मगर बनाती हूँ इसको ओवन में हूँ, आप लोग फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ऑयल को वाइट करना है इसलिए मैं इसको ओवन में ही बनाती हूँ. चलें जी, ये लेग पीस मैंने इनको दो के साफ करके अच्छे से ड्राई कर लिया और इसमें मैंने सारे कट्स लगा लिए. तो अब हम इसके ऊपर डाल देंगे ये सारा मसाला, फिर हम इसको करेंगे मसाज. तो इसको रख देंगे ओवरनाइट रेफ्रिजरेटर के अंदर. ठीक है जी, तो अब हम इसको करते हैं मसाज. ठीक है, तो फिर आपको मसाज याद करके तो फिर आपको दिखाते हैं. चलिए जी, वन बाय वन हम इसको मसाज करते जाएंगे. चले जी, अब मैंने इसको मसाला लगा दिया और ऊपर मैं रैपिंग पेपर डाल के तो इसको मैं अब रखने लगी हूँ फ्रिज के अंदर ओवरनाइट. तो फिर अब मिलते हैं कल आपको दोपहर के टाइम. मगर यही बात खत्म नहीं होती, इसके साथ राइस बनेंगे और बड़ी ही स्पेशल किस्म की इसके साथ बनती है सॉस, है टोमेटो सॉस है, जिसको हम कह सकते हैं दकूस, अरबी लोग उसको दकूस कहते हैं. तो वो उसके साथ तैयार होगी. ठीक है जी, तो फिर मिलते हैं टुमारो. चलें जी, ये जो मैं जो कल मसाला लगा के रखा था चिकन को, अब ये मैं रखने लगी हूँ इसको ओवन में. प्री हीट पे निकाल लिया हुआ है, इसको रखूंगी 350 पे. तो ऑलमोस्ट 45 मिनट लगेंगे तो ये रेडी हो जाएगा. तो मिलते हैं फिर 45 मिनट के बाद. चलें जी, ये मैं बनाने लगी हूँ जो कल चिकन को मैंने मसाला लगा के रेडी किया था, उसके अब हम आज बनाएंगे अरबी कब्जा विद माय ओन स्टाइल. तो ये है सॉस जिसको हम बनाएंगे दकूस, अरबी दकूस. तो इसमें डाला है मैंने फ्रेश गार्लिक 1 गठी और ये है बेजल, मैंने खुद घर का लगाया हुआ है, एक मैंने गमले के अंदर
वो मैंने ले आएंगे थोड़ा सा, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो इट्स ओके। ये वैसे मैं खुद से डालती हूँ। टमाटर है जितने आपको सॉस चाहिए उस हिसाब से, थोड़ा सा जीरा है। अब इसको मैं करूँगी ग्राइंड, तो उसके बाद फिर स्पाइस डालते तो आपको दिखाती हूँ मैं, ठीक है जी। अब इसमें मैं डाल के तो इसको बिल्कुल पीस लूँगी, बिल्कुल जिसका शेक बनाते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं। चलें जी, टमेटो मैंने पीस ली है और अब इसके अंदर मैं डालूंगी 2 कप पानी। अब इसमें जाएंगी स्पाइस, नमक आप अपने जायके के मुताबिक डालें। मैं पिंक सॉल्ट डालती हूँ, आप लोग भी डाला करें, इससे ज़रा फैट कम होता है। ये डालूंगी मैं, और मिर्च इसमें ज़्यादा जाएगी, अराउंड 2.5 टीस्पून, ठीक है, दैट्स इट। अब इसको हम इसको पकने के लिए रख देंगे, तो फिर मिलते हैं आपको 45 मिनट में। चलें जी, सॉस हमारी रेडी हो चुकी है। इसको इस तरह हमने इस तरह रखना है, देख ले थिकनेस इसकी, देख सकते हैं आप। इससे ज़्यादा थिक अगर करना है तो आपकी मर्ज़ी, मगर सॉस ऐसे ही रखनी है आपने, ठीक है जी। ये हमारा दुकूस हो गया रेडी, तो अब हम इसको करते हैं स्टोव को टर्न ऑफ। तो अब चलते हैं हम चिकन की तरफ, ठीक है जी। चलें जी, टाइम टू मेक द राइस। राइस में मैं डालूंगी ऑयल हसबे ज़रूरत। इसमें मैं डाला ज़ीरा, लौंग एंड थोड़ा सा ये स्टार्च, दैट्स इट। और इसको जैसे ही ये थोड़ा सा हो जाते सोते, इसमें डालेंगे थोड़ा सा अनियन, इतना सा, देखिए इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसमें ज़्यादा अनियन नहीं डलता, बल्कि डलता ही नहीं, लेकिन मेरे पास थोड़ा सा बड़ा था मैंने डाल लिया, ना भी हो तो इसको के, ठीक है जी। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक पेस्ट, थोड़ा सा ये ब्राउन हो जाए फिर हम डालते हैं लहसुन अदरक पेस्ट। चलें जी, अब हम डालेंगे लहसुन अदरक पेस्ट। डांसिंग शो स्टार्ट होने वाला है, तो इससे पहले से डांसिंग शो स्टार्ट होता तो हम पानी ऐड कर देते हैं। नमक हसबे ज़रूरत 1 टेबल स्पून, टीस्पून सॉरी। और इसमें डालेंगे हल्दी, हम स्पून भर के डालेंगे, क्योंकि हम इसमें कलर ऐड नहीं कर रहे, तो इसी के कलर से हमारा खाना जो है कुक होगा, राइस का कलर जो है इसी से बनाएंगे, ठीक है जी। अब इसमें हम डाल रहे हैं थोड़ा सा गरम मसाला, 1 टीस्पून गरम मसाला, थोड़ा सा हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून पानी। इसको 2-3 मिनट हम भूनते हैं। चलिए, अब इसमें मैं डालने लगी हूँ पानी 3 कप, क्योंकि मैं 3 कप ही राइस है, मैं 3 कप ही पानी डालूंगी मैं, क्योंकि इसको चावलों को मैंने सुबह का भिगोया हुआ था, ये वो है सिला राइस, तो इसलिए इन्होंने पानी एनफ सक कर लिया हुआ है, तो इसमें मैं पूरा पूरा पानी डालूंगी, मैं ज़्यादा नहीं डालूंगी। और इसके साथ जो एक चीज़ डालनी है, सिनेमन पाउडर, दालचीनी का पाउडर 1 टीस्पून। और अब इसको जस्ट जैसे ही एक बॉयल आता है तो अब हम इसमें फिर डाल देंगे चावल। चावलों का पानी मैं ज़्यादा नहीं डालती, जिस तरह के पहले लोग 2-2 डालते थे, मैं वो नहीं डालती जी। ये मैंने अब चावल जो है ना वो दम पे लगा दिए, इंशाल्लाह इन 5 मिनट्स अब राइस विल बी रेडी। सो फिर मिलते हैं आपको टेबल पे, ठीक है जी। देख ले, पानी मैंने बिल्कुल इक्वल रखा है, कोई मैंने ज़्यादा नहीं पानी डाला, तो आप भी ज़रा पानी ना डालें तो चावल जो है ना बिल्कुल कलियों की तरह खिलते हैं, ठीक है जी। चले मिलते हैं विन 10 मिनट।
चलें जी, अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा राइस एंड चिकन रेडी हो चुकी है। सॉस भी आप देख सकते हैं, हर एंगल से देख सकते हैं। साथ मैंने साइडों पे मैंने सैलड डाला हुआ है, साथ ये हॉट सॉस है, साथ साथ मैंने बनाई थी वो रखी हुई है। तो आप देख सकते हैं ज़बरदस्त, बहुत मेहनत की गई है इसके ऊपर। तो आप भी बनाएं, इंजॉय करें, बहुत टेस्टी है ये, बहुत टेंडर है ये वाली जो चिकन है, बहुत टेंडर। मैंने ओवन में बनाई है, आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चले चलते हैं अब वाइंड अप की तरफ, मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ। केजे को याद रखें, मेरे कुकिंग कॉर्नर को याद रखिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर छोड़ें, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। चलें फिर मिलते हैं एक और छोटी सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह।